पलानीसामी बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, 31 मंत्रियों के साथ ली शपथ। राज्यपाल ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी ने किया यूपी के किसानों से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा, तो वहीं सपा के साझेदार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया पलटवार, बोले पीएम को इस काम के लिए किसका इंतजार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर में अपर आयकर आयुक्त को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। शिक्षण संस्थानों पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाने की धमकी देकर मांगी थी 10 लाख रुपए की रिश्वत। और सरिस्का के आदमखोर पैंथर का मामला, नए सिरे से कवायद शुरू, इलाके के सभी पैंथर किए जाएंगे ट्रैंक्विलाइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि सरकार बनते ही पहला फैसला किसानों के कर्ज माफी का होगा। इस उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा वादा कर रहा है, 11 मार्च को नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शपथ समारोह होगा, उसके बाद जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग में ही किसानों की कर्ज माफी का निर्णय कराऊंगा, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं भाइयों बहनों। उधर पीएम मोदी के किसानों से किए कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी अगर कर्ज माफ करना चाहते हैं तो उन्हें किसके आदेश का इंतजार है, वे खुद इस देश के पीएम हैं। उन्होंने इस वादे को झूठा करार दिया। किसानों का कर्ज माफ कर देगा मोदी जी? किसानों के कर्ज माफ करने के लिए आपको यूपी की सरकार की जरूरत नहीं है, आपके पास दिल्ली में सरकार है, आप अभी कर लीजिए। चुनाव के लिए आप क्यों रुके हैं? अगर आपको करना ही है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, जाइए कैबिनेट मीटिंग करिए, पूरे हिंदुस्तान का कर्ज माफ कर दीजिए, किसानों को फायदा हो जाएगा। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये झूठ है। जैसे 15 लाख रुपए का वायदा झूठ था, वैसे ही किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा झूठ है। अब मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं, चले जाते हैं और सोचते हैं कि यूपी की जनता को कोई समझ नहीं। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज अलवर में अपर आयकर आयुक्त को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अपर आयकर आयुक्त रेंज 2 बीएल यादव ने घनपत सिंह के शिक्षण संस्थानों पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों में 7 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। अपर आयकर आयुक्त यादव ने रिश्वत 6.5 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपए नकद मांगे। यादव ने परिवादी धनपत सिंह से 2 घंटे में ही रिश्वत की राशि नकद और चेक लेकर आने के लिए कहा। इस पर परिवादी ने यादव के कार्यालय पहुंचकर उन्हें रिश्वत की राशि सौंपी, तभी इशारा पाकर टीम ने यादव को धर लिया। एसीबी ने यादव के कार्यालय में दस्तावेज जब्त करने के साथ ही उनके घर को भी सीज कर दिया है। दूसरी ओर एसीबी ने सवाईमाधोपुर नगर परिषद में भी कार्रवाई की। जयपुर से पहुंची एसीबी टीम ने पट्टों के मामले में दर्ज एक मामले में नगर परिषद में दबिश दी। एसीबी ने दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर कई कागज जब्त किए। फिलहाल इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।